भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रही है हम आपको बता दें कि इस बैठक में पूरे भारतवर्ष से जो सांसद हैं विधायक हैं सभी को बुलाया गया है भाग लेने के लिए माना जा रहा है कि इस बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की जो रणनीतियां हैं वो तय की जाएंगी साल 2019 के लिए लोकसभा चुनाव में हालांकि अभी डेढ़ साल का वक्त बचा हुआ है लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और अपने सभी सांसदों राज्य के मुख्यमंत्रियों विधायकों और पार्षदों और प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस मीटिंग में बुलाया गया है और साथ ही साथ उनसे आने वाले जो 2019 के लोकसभा चुनाव होंगे उन पे एक अहम बैठक की जा रही है और उनसे एक चर्चा की जा रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेता और मंत्री हैं बीजेपी के वो लोग बाहर निकल रहे हैं बैठक में शामिल हुए हैं सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को इन सभी को संबोधित करेंगे इनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 2019 के लिए जो मूल मंत्र है वो दिया जा रहा है और वो सभी को तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से जनता से वो अपना संवाद लगातार बनाए रखे ताकि 2019 में बीजेपी एक बड़ी जीत को हासिल कर सके कैमरा पर्सन चेतन भारद्वाज के साथ गवनश्राओं के लिए पवन त्रिपाठी